कार्य तथा ऊर्जा भाग दो। ऊर्जा का रूप, गतिज ऊर्जा। पिछले वीडियो में हमने कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना के बारे में जाना। इस वीडियो में हम गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानेंगे। वो समय याद करने की कोशिश करो जब तुम खिड़की के पास खड़े होते थे और सूरज की धूप सेकते थे। वो सूर्य इंसानों के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। क्या तुम अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा के स्रोतों के कुछ उदाहरण सोच सकते हो? हम ऊर्जा शब्द का इस्तेमाल अपने जीवन में बार बार करते हैं, लेकिन फिर से विज्ञान इसे अपने तरीके से परिभाषित करती है। विज्ञान के अनुसार ऊर्जा क्या है, ये समझने के लिए हम कुछ घटनाओं को देखते हैं। मान लो तुम किसी फुटबॉल को लात मारते हो और ये जमीन पर लुढ़कने लगती है, या तुम किसी ट्रॉली को धक्का देते हो और ये कुछ दूर तक विस्थापित हो जाती है। इन दोनों अवस्थाओं में वस्तु में कार्य करने की क्षमता आ जाती है और वस्तु की कार्य करने की इस क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। वो वस्तु जो कार्य करती है अपनी ऊर्जा को खो देती है, जबकि वो वस्तु जिस पर कार्य हो रहा हो ऊर्जा ग्रहण करती है। माना कि एक गेंद ए किसी दूसरी गेंद बी पर एक बल लगाती है। ऐसा करने से गेंद ए की ऊर्जा गेंद बी में चली जाती है और ऊर्जा मिलने के बाद गेंद बी में कार्य करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा हो कार्य कर सकती है, अर्थात ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता से मापा जाता है। कार्य की तरह ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है। हम कह सकते हैं एक जूल कार्य करने के लिए हमें एक जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जूल का भी बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। एक किलो जूल बराबर 1000 जूल। कार्य तथा ऊर्जा का ये मात्रक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है। उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाया और ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी सत्यापित किया था। ऊर्जा के बहुत से रूप हैं, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा को समझने के लिए हम एक आसान सा क्रियाकलाप करते हैं। एक भारी गेंद लो और इसे गीली या सूखी रेत की मोटी परत पर गिराओ। पहले गेंद को 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराओ और लगातार इस ऊंचाई को बढ़ाते रहो जिस ऊंचाई से तुम गेंद को गिरा रहे हो, जैसे कि 50 सेंटीमीटर, फिर 75 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर और इसी प्रकार बढ़ाते रहो। लेकिन हर बार गेंद को अलग अलग जगहों से फेंको ताकि तुम रेत पर गड्ढे की स्पष्ट तस्वीर को देख सको। अब इन गड्ढों को देखो और इनकी गहराई की तुलना करो। कौन सा गड्ढा सबसे ज्यादा गहरा है और कौन सा गड्ढा सबसे कम गहरा है? गेंद ने किस कारण से रेत में ज्यादा गहरा गड्ढा या कम गहरा गड्ढा बनाया? अब इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम एक और क्रियाकलाप करते हैं। इस चित्र में व्यवस्थित उपकरणों को देखो। यहाँ एक निश्चित द्रव्यमान वाले लकड़ी के टुकड़े को ट्रॉली से कुछ दूरी पर रखा गया है। इसके बाद
ट्रॉली को विस्थापित करने के लिए पलड़े पर एक ज्ञात द्रव्यमान को रखते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रॉली लकड़ी के टुकड़े को टक्कर मारती है और इसे एक निश्चित दूरी तक विस्थापित कर देती है। टुकड़े को टक्कर मारने के बाद ट्रॉली को रोकने के लिए अवरोध रखो और टुकड़े के विस्थापन को देखो। ट्रॉली के द्वारा इस पर कार्य करने के बाद इसे ऊर्जा मिलती है और टुकड़ा विस्थापित हो जाता है। क्या तुम बता सकते हो ये ऊर्जा कहां से आती है? अब पलड़े पर द्रव्यमान बढ़ाकर ये क्रियाकलाप फिर से दोहराओ। तुम देखोगे कि पलड़े पर द्रव्यमान बढ़ने के साथ ही टुकड़े का विस्थापन भी बढ़ जाता है। ये ट्रॉली द्वारा किए गए कार्य में बढ़त दर्शाता है। ट्रॉली कार्य करती है, इसलिए इसमें ऊर्जा विद्यमान है। एक गतिमान वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है। एक धीमी गति की वस्तु की अपेक्षा तेजी से गतिमान वस्तु अधिक कार्य करती है। एक घूमते हुए झूले या बंदूक से चली गोली के बारे में सोचो, जिनमें कार्य करने की ऊर्जा विद्यमान है। गतिमान वस्तु में विद्यमान इस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। इसलिए हम किसी वस्तु में गति के कारण विद्यमान ऊर्जा को गतिज ऊर्जा से परिभाषित करते हैं। अधिक गति का मतलब है अधिक गतिज ऊर्जा। एक तेजी से चलती हुई कार, एक दौड़ती हुई धावक और एक तैरता हुआ आदमी गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। अब गतिज ऊर्जा की गणितीय व्युत्पत्ति पर नजर डालते हैं। माना कि एक m द्रव्यमान की वस्तु एक समान वेग u से चल रही है। माना कि वस्तु पर बल f कार्य कर रहा है और ये बल की दिशा में s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। अब किया गया कार्य w बराबर fs। वस्तु पर किए गए कार्य से इसके वेग में परिवर्तन होता है। ये u से v हो जाता है। माना कि वस्तु में उत्पन्न त्वरण a है। याद करो, हम गति के तीन समीकरणों के बारे में पढ़ चुके हैं और तीसरे समीकरण के अनुसार v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, जिससे हमने विस्थापन निकाला था। s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a। हम जानते हैं f बराबर ma। अब किए गए कार्य को हम लिख सकते हैं w बराबर m गुना a गुना s बराबर m गुना a गुना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a बराबर 1 बटा 2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यदि वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो u बराबर 0, w बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने जाना कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उसके ऊपर किए गए कार्य के बराबर होती है। अर्थात यदि u बराबर 0, w बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इसलिए m द्रव्यमान तथा एक समान वेग v की किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान e के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इस वीडियो में हमने गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे।